गुरु नानक देव जी की 550वें जन्म उत्सव को लेकर पूरे देश में भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यह जत्था रामगढ़ पहुंचा। रामगढ़ में इसका भरपूर स्वागत किया गया और सारे सिख समुदाय इसका जोरदार स्वागत में जुटे हुए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री गुरविंदर सिंह सेठी, गुरुद्वारा प्रधान रमिंदर सिंह गांधी, इंद्रपाल सिंह सैनी, जोगिंदर सिंह जग्गी, बलजीत सिंह बेदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ में पूरा सिख समाज इनके स्वागत में। विशेषता क्या, उसका मेन इसका मकसद क्या है निकलने का? अपना जो विदर्श है वो 2 जून को चली है, उस पर उसने इसलिए है कि वो पैगाम दे रही है कि हम सब एक है और ये गुरु नानक देव जी 550 पूरा निकाली गई है, जो पूरे देश का भ्रम करेगी। और आज रामगढ़ हमारे गुजरात साहब में पहुंची है, इसका साथ संगत ने बहुत जोर शोर से उत्साह के साथ इसका स्वागत किया और अब यह आगे हजारीबाग के लिए प्रस्थान करेगी। झारखंड जागृति आप रामगढ़ में पहुंची है, इस पर क्या आप लोग क्या आयोजन किए हैं? यही राय है कि जो ये गुरान देखिए कि 550 मनाया जा रहा है, वो इस देश में भ्रमण होकर वो भ्रमण का जो नज़ारा है वो कर्नाटक से विदर्भ से चलकर पूरे कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल और यहाँ तक कि झारखंड के क्षेत्र के अंदर में घुसते हुए धनबाद में, बोकारो में भव्य स्वागत होते हुए जाना मोड़ प्रत्येक कॉलोनियों में इसका स्वागत किया गया और अपार जन समूह ने इसका स्वागत किया। और जागृतियाता को लेकर झारखंड में राज्य मंत्री हैं, आपको लेकर झारखंड सरकार के द्वारा क्या इसमें योगदान दिया गया है? देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सौभाग्य है जो कर्नाटक से विदर्भ से 2 जून को यात्रा चल के आई है और पिछले समय जब रांची में आई थी और आज फिर रामगढ़ की धरती में पहुंची है। और झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, पूरी कैबिनेट, हम सरकार के सभी प्रतिनिधि इस यात्रा का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस यात्रा का स्वागत और अभिनंदन करती है और झारखंड सरकार इस यात्रा में पूरा सहयोग देगी, प्रशासन पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी और मैं सबको पुनः इस यात्रा की शोभा यात्रा की बधाई देते हैं। गुरु नानक साहब के जो 550 वर्ष आ रहे हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री की ओर से बधाई देते।